एज वैभव सेठ, हम लोगों ने वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, कल हमने विजिट किया था एशिया हाईएस्ट ब्रिज, कुछ ज़्यादा ही अचीवमेंट हो रही है ऐसा लग रहा है अभी। नो नो ब्रो, अभी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे ट्यून विथ रोलिंग पीस। ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम काजा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। काजा एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज मिल जाएंगी, लाइक एटीएम, पेट्रोल पंप, मैकेनिक्स एंड ऑल स्टफ, मेडिकल सर्विस, स्टे भी काफ़ी अच्छे है यहाँ पे। हॉस्टल यहाँ पे है और होम स्टे यहाँ पे है। हॉस्टल में तो स्टे नहीं मिला था, लेकिन ये कोई होम स्टे है जहाँ पे हम लोग रुके थे। रूम काफ़ी अच्छे है, हॉल और तीन रूम थे, एक दो और तीन, सात लोग थे हम लोग। आई गेस 1600-1700 में हम लोगों को मिल गया था। आज का डेस्टिनेशन भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कल की नाइट होगी चिटकुल में। हॉस्टल से हम लोग रूम बुक करवाएंगे अभी चिटकुल के लिए, एंड कल नाइट को पहुंचना है चिटकुल, तो उस हिसाब से हम लोग राइड करेंगे। और हाँ गाइस, स्पीलो करके कोई 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई विलेज है, वहाँ से सब नेटवर्क्स अवेलेबल हो गए, तो आई थिंक हम लोग वहाँ तक आज पहुँचने की ट्राई करेंगे। चिटकुल है 250 किलोमीटर एंड स्पीलो है 170 किलोमीटर्स। लेट्स सी कितने पहुँचते हैं आज, क्योंकि आज हम लोगों को कवर करना है लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक विलेज। भाई क्या कुछ कहना है? हाँ भाई, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके हम आज पहली बार खत लिखेंगे, आइटम के लिए नहीं, घर वालों के लिए। एग्जैक्टली, मुझे अपने घर पे लेटर लिखना है, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप से फ्यूल अप करवाना है। सब कुछ हाइट पे ही है, वर्ल्ड हाईएस्ट, एशिया हाईएस्ट, ऐसा ही है सब यहाँ पे। सो पैकअप करते हैं, सब लोग आगे निकल चुके हैं, हम मैं और वैभव शांति से निकलने वाले थे, हम लोग पीस, यू नो पीस। पूरन और बाकी सब राइडर्स निकल गए आराम से, अब अपनी तरह से राइड करेंगे, शॉर्ट्स ब्रेक लेंगे और राइड ज़्यादा करेंगे। ये काजा का पेट्रोल पंप वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप है, सो आज हम वहाँ से अपनी बुलेट का टैंक फुल अप करेंगे, एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी करेंगे क्योंकि रास्ते में चाहिए होगा। सो गाइस स्टे ट्यून, चीयर्स विद वाटर। बाइक का चेन ल्यूबिंग हो गया है, पैकअप अभी 10-15 मिनट में हो जाएगा, फिर निकलते हैं। हाँ ओके, सो गाइस एवरीथिंग इज पैक्ड, अभी निकलते हैं। सीवर एक छोटा सा बना हुआ है, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग। मैंने फोन किया था, ओके, उन्होंने बोला फुल दिखा रहा है, वहाँ पे चेक इन चेक कर लेना, अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो मिल जाएगा। यार वहाँ पे ठंड रहती है? ठंड थोड़ा, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। एक्चुअली हमारे पास कैंप भी है तो डाल सकते हैं वहाँ पे। ओके थैंक यू, वेलकम ब्रदर। हाँ थैंक यू। हॉस्टल में रूम्स तो बुक है कल के लिए भी, अगर आप आते हो तो एडवांस बुकिंग करवा के आओ, क्योंकि फुल ही रहता है। ऐसे ही थोड़ी निकल जाएंगे, कल रात के डिलीशियस डिनर के बाद हिमालयन कैफे का ब्रेकफास्ट तो बनता है ना भाई, तो रिपीट बनता है, रिपीट। सो वी आर हैविंग कोल्ड मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, मिक्स पराठास। ये क्या है भाई, सब्जी है कुछ? अचार जैसा लग रहा है, अचार सब्जी ऐसा कुछ है। लोकल्स, ही इज हैविंग टी। पीस ब्रो, पीस। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी निकल रहे हैं रिफ्यूलिंग के लिए, एंड देन वहाँ से लांगजा, हिक्किम, कॉमिक एंड देन लीडांग पे, फिर काजा वाले रास्ते को कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। एंड या ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में थोड़ा वेटिंग रहता है, लेकिन फूड डिलीशियस है। अगर आप हमारे जैसे फूड लवर हो, फूडी हो, देन आप वेट कर लोगे अच्छे खाने का। और ये रहा वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल आउटलेट, स्टिकर तो बनता है यहाँ पे। कूल मैन, पीस ब्रो, लुक ऑसम। अंकल ये लीक हो रहा है पेट्रोल, पीछे भी डालना है, कंटिन्यू रखना कैन में।
बस चलेगा बस। पेट्रोल का रेट था 79.20 रुपीस पर लीटर, 25 लीटर्स मैंने रिफिल करवाया है एंड टोटल हुआ है 2000 के करीब, 1980 बक्स, 79.20 पर लीटर, वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल। फिल अप करवा लिया है, एयर चेकअप करवा लेते हैं क्योंकि टायर का एयर बहुत टाइम से चेक नहीं किया गया है। भैया हवा चेक करना था आगे। लांगजा यही जाएगा ना? हाँ यही जाएगा ना। सो गाइस फाइनली रीच लांगजा, और लांगजा का बहुत ही फेमस स्टैचू बुद्ध, एंड आई विल शो यू द व्यू। इट्स प्रीटी ऑसम, बहुत हाइट पे, ठंड भी ज़्यादा लग रही है। हम लोग भी एक परिक्रमा करके निकल जाएंगे, ओम मानी पद्मे हम, लेकिन वी आर अंडर द क्लाउड्स, ठंड बहुत ज़्यादा है और फिर भी मज़ा आ रहा है। हे जुले हाय बडी, यो कॉमिक की तरफ जाना है अभी। किधर से जाना? हिक्किम ब्रदर, हिक्किम जाना था। हिक्किम जी से ऊपर जो कॉमिक का होम स्टे का बोर्ड लगा है वही है ना? ओके ओके थैंक यू। बुद्धा के स्टैचू की परिक्रमा कर ली है इसीलिए ताकि आज की राइड थोड़ी मंगलमय बनी रहे, मंगलमय। आज की राइड सक्सेसफुली ख़त्म हो जाए, कल चिटकुल पहुँच जाए और अभी एक हफ्ते में घर भी पहुँच जाए। बाय बाय लांगजा, किस्मत में लिखा होगा तो वापस मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे बाइक रख के आपको नीचे थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ट्रैकिंग। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर जाने के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं भाई। धीरे धीरे स्लोली स्लोली बारिश हो रही है तो उतारूंगा नहीं मैं अपना हेलमेट, लेकिन आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ मैं। 100 या 200 मीटर ट्रैकिंग करके आए हम लोग यहाँ पे। So you can get different type of photos here. पीछे आप मैसेज लिख सकते हो, एड्रेस वगैरह। There is a lots of peak here. Different चंद्रताल, कॉमिक, स्पीटी वैली, ग्रुप पिक्स भी है धारकन का, धनकार, और इट्स अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पिक। ओके, दो लेटर्स पोस्ट करने हैं मुझे, हम लोग ये दो लेटर्स पोस्ट कर रहे हैं फॉर माय लव्ड वंस, इंटरनेशनल होगा। थैंक यू वेरी मच ब्रो, क्या नाम है आपका? हिम्मत, हिम्मत सिंह। Thank you for holding. All the best for your ride, yaar. Happy okay. journey. Thank you very much, bro. He was holding the camera. Two letters post करने हैं मुझे. Postmaster जी, ये ले लीजिए. Sir, कितने दिन में पहुंच जाएगा गुजरात? 12-15 दिन तक. 15 दिन. Mind your head over here, क्योंकि roof थोड़ा नीचा है. Two letters post कर दिए मैंने. दोनों मेरे loved ones के लिए. It's fun actually. आज तक कभी भी मैंने लेटर नहीं लिखा था घर पे, पहली बार लेटर लिखा है 28 इयर्स में, पहली बार मैंने लेटर पोस्ट किया है। अभी निकलना है कॉमिक के लिए, निकलते हैं। भाई ऐसे नहीं होता, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे लेटर पोस्ट करना हो ना तो ऐसे ही नहीं होता, मेहनत लगती है, सांस चढ़ा देने वाली, बारिश भी आता ऊपर से। 100 मीटर का ट्रैकिंग था फिर भी पता नहीं इतना थक कैसे गए यार, पहले भी हम लोग यहाँ से क्रॉस करके गए किसी ने बताया नहीं। चलो कोई ना, अभी जा रहा है कॉमिक, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, पूरा 30-40 किलोमीटर्स का एक रूट है, सब आ जाएगा उसमें। या इट इज कॉमिक विलेज।
So guys, finally we reach highest village in the world, connected with the motorable road, village Komik, and altitude 4587 meter. Rolling piece ka thappa lag gaya, bro. This is amazing, man. Love it. Idhar kharab hai but maza aa gaya. Thodi thodi baarish ho rahi hai yahan pe aur ye hamare tappu bhai aa gaye hai. Rolling piece, bro. Bhai kya kehna chahta hai? Awesome bhai, aaj sab world highest hi kar rahe hai. Petrol pump world highest tha, post office world highest thi, world highest village sab, yani aaj world ke top level pe kaam kar dalenge hum aaj. It's really adventurous today kyunki as Vaibhav said, hum logo ne world's highest petrol pump, world's highest motorable village, world's highest post office, kal humne visit kiya tha Asia's highest bridge, kuch zyada hi achievement ho rahi hai aisa lag raha hai abhi. No no bro, abhi bahut kuch baki hai. So stay tuned with Rolling Peace. अभी निकलते हैं चिटकुल की और जितने किलोमीटर्स कवर हो सकते हैं कर लेंगे हम लोग. Let's see. Okay. तो हम लोगों ने सेल मार दिया है. कितने बजे? अभी बज रहे हैं 1 p.m. एंड निकल रहे हैं हम लोग चिटकुल के लिए. पहले राइट ले ले. रुक रुक रुक. So चिटकुल यहाँ से 270 किलोमीटर है. देखते हैं अभी जितना कवर हो सकता है करेंगे. वेदर थोड़ा हमारे साथ नहीं है, वेदर थोड़ा रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है राइड में, लेकिन अब तो आदत है यार. 25 दिन हो गए, आदत है अब. शायद तो पहुँच जाएंगे चिटकुल, या फिर 7-8 बजे तक जहाँ पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे स्टे ले लेंगे. लेट्स सी, विश अस गुड लक. फाइनली नीचे उतरने वाले हैं हम लोग. 50 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद आज मिला है ब्लैक टारमैक, फ्रेश टारमैक मिला है. अभी अभी रास्ता बना, ऐसा लग रहा है हमारे लिए बना है रास्ता. अभी भी थोड़े थोड़े छुटे पड़ रहे हैं, ठंड लग रही है, फिर भी मजा आ रहा है. व्यू सी ऐसे है यार. ऐसे लग रहा है जैसे बादलों में रास्ता जा रहा हूँ. सारे पूरा पत्थर को काट काट के रास्ते बना दिए. वो धन्य हो गए स्पीति, धन्य हो गए स्पीति की विजिट लेकर, धन्य हो गए भाई. आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल. वाओ. फट चुकी थी ऊपर, बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी, रोड बहुत ही खराब हो चुके थे, बट अब अच्छे रोड मिल चुके थे. ओके, सुंदो इज 62 किलोमीटर्स लेफ्ट एंड काजा इज 12 किलोमीटर राइट. हम लोगों ने टोटल 69 किलोमीटर राइड कर लिया है सब कुछ एक्सप्लोर करके. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी दबा के कर लिया था, तो अभी सुंदो में ही रोकेंगे 62 किलोमीटर के बाद. लेट्स सी, बज रहे हैं 2:30. लैंडस्लाइड जोन, लैंडस्लाइड जोन. एक से एक व्यू यार. आज का व्लॉग लंबा बनने वाला है. ईच एंड एवरी टर्न पे एक नया व्यू, टोटली डिफरेंट, वो भी डिफरेंट, ऐसा डिफरेंट मतलब उसमें इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग अलग है ना. देखा ऐसे नैरो रोड्स है, सो ड्राइव केयरफुली ब्रो. आई गेस देयर इज अ टाबो मॉनेस्ट्री.
सब व्हाइट कलर के कंस्ट्रक्शंस है, मरून या ब्राउन कलर में सब बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, लुक्स फैंटास्टिक। रेकोंपियो 41, पू 84, शिमला 866 और 366 मालूम नहीं। Wow man, what a road! Woo! Beautiful man. Keep rolling with peace. That is the peace, man. Here, kya beautiful village hai na? I don't know which village is that, but bahut beautiful hai yaar. Wow, man. Hum log wahan se hoke, wahan se hoke yahan aa rahe hain. Rasta dikh raha hai aapko? Ye wala rasta hai pura. Little scary, right? ऐसे roads पे guys 30 to 40 max, ज़्यादा speed up मत करो, puncture पड़ जाएगा। अगर कोई sharp stone पड़ा है, वो भी टायर में घुस सकता है। So 30-40 पे easily निकल जाओ, वो better रहेगा। I guess 1-2 किलोमीटर का ही रास्ता चला, बाकी तो smooth। वो इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। डेजर्ट में थोड़ा सा ग्रीन जो पार्ट होता है ना, उसके लिए एक वर्ड है, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको। ऐसा लग रहा है ये ऑल डेजर्ट, उसमें चुटकू सा ग्रीनरी। वाओ, आई मीन डेजर्ट नहीं है लेकिन माउंटेन्स तो डेजर्ट वाले कलर के ही है। मज़ा आ गया यार आज के रुक के। स्पीति वैली, आई लव यू। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। यस माई ब्रो, यू कैन डू इट। हाहा, ये ड्रीम वाला कैप्शन मिला, इफ यू कैन ड्रीम इट देन यू कैन डू इट। और खाव नाम के विलेज का माइलस्टोन आया जो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वैभव बाबू फुल फॉर्म में है भाई आज। गाइस अभी तक का 200 किलोमीटर का राइड हो गया है, काजा से लांजा, लांजा से हिक्किम कॉमिक, एंड देन कॉमिक से रिदंग, लिडांग से नाको, टाबो, रेकोंपियो, एंड राइट नाउ वी आर एट, टू नो वे वी आर एट, बट 200 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लिया है आज। फुल फॉर्म में है भाई। सीधी हवा लग रही है यार, ओम माय गॉड, सीधी हवा लग रही है छाती पे यार। रास्ता बनाया है ब्रो, बीआरओ ने बनाया है। ब्यूटीफुल रोड्स मैन, ब्यूटीफुल। क्या रास्ता था यार, क्या रास्ता था ब्रो। रास्ते में मैंने वो भाई वाला स्मोकी खाया। ऑसम ऑसम, क्या यार, जिंदगी भर याद रहने वाला है ये रूट। तो बहुत ही स्मूथ रोड थे एंड बहुत ही शार्प व्यू यार, बहुत ही क्लास व्यूज थे। निकलना है चिटकुल के लिए, बज गए हैं 6 बजने वाले हैं, तो निकलते हैं चिटकुल के लिए। अभी खाप पहुंचे हैं, यहाँ से 130 किलोमीटर बाकी। और थैंक्स विजिट अगेन, ज़रूर ज़रूर मेरे दोस्त, ज़रूर अगर नसीब में लिखा है तो वापिस मिलेंगे। प्लीज ब्रो, प्लीज ब्रो, हे ब्रो बाय। एक मिनट। आई गेस आर्मी बेस कैंप है पू आर्मी बेस कैंप। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। पू
So we reached Pooh. Still 24 kilometers. I guess 24 kilometers ke baad network aana chalu ho jayega. I guess so. Pata nahi mujhe bhi. Spilo 24, Reconquio 62, Simla 283. Let's hit the road, my bro. So, we are here at Spilo. Spilo aaya hai 230 kilometers ke baad mein bhaiya. Rukna nahi hai. गाइस अगर स्पीति आप कर रहे हो स्पीलो से आगे काजा की ओर जा रहे हो स्पीलो में नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा और खुशखबरी की बात हमारे लिए ये है आज नेटवर्क आएगा फाइनली आइडिया के अलावा सभी नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है स्पीलो से आगे आज हम निकले थे तब सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी कि स्पीलो से आगे जाते ही सब नेटवर्क रीचेबल हो जाएंगे हमारा मोबाइल नेटवर्क सेल्युलर डेटा 3G 4G सब आज ऑन हो जाना है जी अगर आप काजा से आते हो और स्पीलो क्रॉस करते हो तो मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल हो जाएंगे नोट डाउन कर लो या दिमाग पर डाल लो जी काम लगेगी ये इंफॉर्मेशन क्योंकि 20-25 दिन के बाद आज हम लोगों को नेटवर्क मिलने वाला है बॉर्डर कहाँ पे है कहाँ पे सांगला में खत्म हुआ ना अपना पेट्रोल ओके सो गाइस 330 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ पे पहुंचे भाई चितकुल इंडियाज लास्ट विलेज ऑन इंडो चाइना बॉर्डर एंड आज का जो रूट था 330 किलोमीटर कैसे निकल गए पता नहीं चला है बटर स्मूथ रोड थे और व्यू तो एक से एक है अगर आप काजा से चितकुल की ओर आ रहे हो तो एक से एक व्यू आएगा गाइस ईच एंड एवरी टर्न पे आपको एक नया व्यू देखने को मिलेगा आज तो बादलों में उड़ रहे थे क्या भाई हाँ हाँ सही में मॉर्निंग स्टार्टिंग ही हमारी बादलों से हो गई हाँ फिर रास्ते में भी बादल ही दिख रहे हैं हमें बादल के ऊपर से जा रहे हैं कभी बादल हमारे नीचे कभी बादल ऊपर है फोटोज नहीं लिए क्योंकि 330 किलोमीटर से हम लोग कवर करना था और राइड का इतना मजा आ रहा था ना कि ब्रेक लेने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि रोड्स अच्छे मिल रहे थे व्यूज अच्छे आ रहे थे फिर फोटो की क्या जरूरत है भाई बीच में 40-50 किलोमीटर के अराउंड शायद ऑफ रोड मिला होगा और हाँ नीचे सांगला से ऊपर तक का चितकुल का रास्ता थोड़ा रफ है लेकिन हमने नाइट में किया है इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ लगा और चितकुल आओ तो पहले से होटल्स बुक कर दो एग्जैक्टली कैसे कैसे करके हम लोगों ने ये कहाँ पे रुके हम लोग हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस आज हमने सोच लिया था कि हम टेंट डाल देंगे मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि टेंट ही डालना है लेकिन वी गेट अ रूम इन गेस्ट हाउस PWD हिमाचल प्रदेश रेस्ट हाउस सांगला में आपको मिल जाएगा सांगला में बहुत सारे होटल्स हैं लेकिन चितकुल में स्टे नहीं मिल सकता विदाउट एडवांस बुकिंग क्योंकि टूरिस्ट इतने रहते ही है यहाँ पे गए एक बार तो फिर सांगला जाने की बात नहीं करोगे क्योंकि सांगला और चितकुल में 40 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस है हाँ और हम लोगों ने 40 किलोमीटर आपको लगेंगे ये सिर्फ 40 है ना भाई खींच डालते हैं वो 200 के बराबर है वो 2 hours तो मिनिमम लगेगा और बीच में एक डैम भी आता है मतलब अगर डे टाइम में पास किया होता तो बहुत ब्यूटीफुल होता वो भी कल के ब्लॉग में देख लेना हाँ हम वैसे एक रूट दो बार भाई वो नहीं करते है रिपीट नहीं करते रिपीट ही होता है सो कोई बात नहीं नाइट हो गई रूट नहीं देखने को मिला तो कोई टेंशन मत लेना अगले ब्लॉग में देख लेना सुबह डे जर्नी एग्जैक्टली ओके आज तो मशक्कत पे मशक्कत हो गई थी भैया लेकिन कैसे कैसे करके हम लोग पहुंच गए चितकुल एंड कल निकलना है नारकंडा के लिए कल बॉर्डर देखने के लिए भी जाना है इंडो चाइना बॉर्डर इट्स अ फ्रीजिंग टेम्परेचर आउटसाइड गाइस बहुत ही ठंडी है एंड वन मोर थिंग टेलिंग
योर व्यूअर्स, अगर आप चिटकुल आते हो तो वेदर पहले चेक कर लो फिर चिटकुल आओ, क्योंकि यहाँ से मिल्की वे दिखता है। एक्चुअली हमारा नसीब थोड़ा खराब ही रहता है ये सब मामलों में। क्लाउडी वेदर था तो कुछ दिखने को नहीं मिला। होटल चेक कर लो, वेदर चेक कर लो, बाद में आओ तो सही तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड सोने की तैयारी हो चुकी है, देख लो ये भी एक्सटर्नल वार्मर पहनना है मुझे। उसके बाद इसको मैं ओढ़ूंगा, इसको ऊपर डालूंगा और अपना एज यूजुअल स्लीपिंग बैग। इट्स अ लाइफ सेवर गाइस। मुझे लगा नहीं था कि इतना यूजफुल होगा, लेकिन जहाँ पे भी ठंडी रही है ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा कोल्ड, एवरी नाइट में इसी में ही सोया हूँ। और अगर आपके पास स्लीपिंग बैग और टेंट है तो एटलीस्ट आप कहीं पे भी रात गुजार सकते हो। हाँ, आज हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि टेंट में ही रुकना पड़ेगा। और जगह भी देखने लगे थे, वो बाय फॉर्चुनेटली हम लोगों को मिल गया गेस्ट हाउस। अच्छा, हमने 2 घंटे तो सिर्फ होटल से टूटे, 2 घंटा चिटकुल के हर होटल में हमने पूछ लिया है, होम स्टे पूछ लिया है, सब कुछ नहीं मिला। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छी बुरी कुछ भी कमेंट करना तो कर दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विल सी यू टुमारो एंड टिल देन कीप रोलिंग विद पीस ब्रो, पीस। और हाँ, 330 किलोमीटर इसलिए हुए क्योंकि हम लोग पहले गए लांजा, देन हिक्की मैन कॉमिक, वाया लीडंग हम लोग आए हैं, तो काजा पूरा एक्सप्लोर किया, बाद में चिटकुल के लिए निकले, इसलिए 330 किलोमीटर हुआ है। अगर आप काजा से चिटकुल डायरेक्टली आते हो तो 270 किलोमीटर के अराउंड में आपका राइड कम्प्लीट हो जाएगा। लीडंग, लीडंग या हम वाया लीडंग आए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रोड था। हाँ, थोड़ा ऑफ रोड है। हाँ, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड रोड है, बहुत 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 ब्यूटीफुल। टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, कोई राइडर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप अकेले। हाँ, आपकी फट जाएगी नो डाउट, बट आराम से चलाओ, मस्त चलाओ, कुछ नहीं होगा, मस्त बिंदास 40-45 किलोमीटर के अराउंड सही रोड आ जाता है। सो उतना ऑफ रोडिंग चलता है, 40-45 अगर व्यूज ऐसे मिले हाँ तो वर्थ इट। 100 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग कुछ नहीं कहला। स्पीति वैली में मैंने इंडियन राइडर्स को बहुत ही कम देखा है। आप अगर स्पीति वैली कर रहे हो तो स्पीति वैली में ट्रैवलर्स, ट्रैकर्स एंड फॉरेनर राइडर्स ज्यादा मिलेंगे। दैट्स इट, इतना शेयर करना बाकी रह गया था तो वीडियो ऑन कर दिया। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। सात आठ बजे तक जहां पहुंचे। और कुछ बोलना है भाई? नो, पीस ब्रो, स्टे ट्यून्ड।